हेलो फ्रेंड्स, वारलू जंक्शन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं नरेंद्र आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और एक खास खबर जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान सलमान खान से। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि इन दिनों सलमान खान अपनी आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म यानी कि राधे योर मोस्ट वांटेड भाई को लेकर काफी चर्चाओं में है, क्योंकि ये फिल्म इसी साल ईद के मौके पर रिलीज हो सकती है अगर सब कुछ ठीक रहा तो। तो दोस्तों, इस फिल्म को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई थी जो कि इसी फिल्म के एक एक्टर यानी कि गोविंद नामदेव ने बताया था कि भैया राधे और मोस्ट वांटेड भाई जो है वो सलमान खान की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि वांटेड का पार्ट टू है। तो दोस्तों, जब ये बात सामने आई तो उसके बाद में बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी थी। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं सलमान खान की वांटेड के बारे में कि इस फिल्म का टोटल बजट कितना था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कैसे कैसे कितना कलेक्शन किया था। तो दोस्तों, वांटेड जो है वो ऑफिशियल रीमेक थी महेश बापू की सुपर डुपर हिट फिल्म पोखरी की, जिसे डायरेक्ट किया था पूरी जगन्नाथ ने। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा पोखरी की, क्योंकि इसी फिल्म का रीमेक था वांटेड। तो भाई, इस फिल्म में महेश बाबू के साथ में नजर आई थी इलियाना डिक्रूज और इस फिल्म का जो टोटल बजट था वो था 12 करोड़, यानी कि पोखरी जो थी वो 12 करोड़ में बनी थी और इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर टोटल कलेक्शन किया था इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तो वो था 41 करोड़ और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वो था 66 करोड़ और इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन किया था इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तो वो था 2.1 करोड़ और इस फिल्म का फर्स्ट वीक का जो टोटल कलेक्शन था वो था 17 करोड़ 34 लाख रुपए और इस फिल्म ने पहले 3 दिन में यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वो था 9 करोड़ 6 लाख रुपए। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई महेश बाबू की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि पोखरी की, जिसका रीमेक बनी फिर वांटेड। वैसे मैं आपको बता दूं कि पोखरी जो थी वो 23 अप्रैल 2006 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी और वांटेड ने वहीं बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारी थी 18 सितंबर 2009 को। तो भाई, इस फिल्म का टोटल बजट जो था वो था 50 करोड़ और इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर टोटल कलेक्शन किया था वो था 60 करोड़ 65 लाख रुपए, यानी कि इंडियन बॉक्स ऑफिस में इस फिल्म का इतना कलेक्शन रहा था और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वो था 87 करोड़ 94 लाख रुपए और इस फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस पर 56 दिनों तक अपना जलवा दिखाया था, यानी कि 50 दिन से ज्यादा यह फिल्म सिनेमा घर में चली थी और इस फिल्म ने पहले दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वो भी जबरदस्त था, यानी कि पहले दिन इस फिल्म ने 5 करोड़ 1 लाख रुपए का बिजनेस किया और उसके बाद में इस फिल्म ने जो पहले वीक में टोटल कलेक्शन जो किया था वो था 33 करोड़ 2 लाख रुपए और अगर मैं बात करूं फर्स्ट वीकेंड की यानी कि फ्राइडे सैटरडे और संडे की तो भैया इस फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड में जो कलेक्शन किया था वो था 15 करोड़ 54 लाख रुपए। तो भाई, पोखरी का रीमेक बनाकर सलमान खान तो भैया छा गए थे इस फिल्म के माध्यम से, यानी कि उस वक्त एक ऐसा दौर आ गया था कि सलमान खान की फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो रही थी लेकिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा जलवा मचाया कि उसके बाद से सलमान खान ने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। अगर यहां पर हम लोग बात करें पोखरी और वांटेड की तो भाई यहां पे पोखरी बाजी मारती नजर आ रही है सलमान खान की फिल्म यानी कि वांटेड से, क्योंकि पोखरी का जो टोटल बजट था वो था 12 करोड़ और इस फिल्म ने अपने बजट से 4 गुना ज्यादा बिजनेस किया था और वहीं पर अगर हम लोग सलमान खान की फिल्म की बात करें तो उनकी फिल्म बनी थी 50 करोड़ पे और इस फिल्म का जो टोटल इंडिया में कलेक्शन हुआ था वो था भैया 60 करोड़ 68 लाख रुपए, यानी कि कहीं ना कहीं यहां पर उतना जबरदस्त बिजनेस सलमान खान की फिल्म को नहीं मिल पाया जैसा कि महेश बाबू की फिल्म यानी कि पोखरी को मिला था। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कौन सी फिल्म नंबर वन फिल्म है, यानी कि पोखरी है या फिर वांटेड है। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारलू जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे नए अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।